What's up guys? I hope you all are doing well. तो फटाक से कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मजेदार होने वाली है एंड आई एम 100% श्योर कि आपको तो जरूर पसंद आएगी ही आएगी। सो कहानी के शुरुआत में हमारे हीरोइन शोई और उसकी बेस्ट फ्रेंड ली जो कि बहुत ज्यादा बन ठहर कर उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर शादी की बात करने के लिए जा रही होती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके बॉयफ्रेंड पर पड़ती है शोई तो गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो किसी और के साथ ही कुछ छल्ले उड़ा रहा था। व्हाट द लैंग्वेज, बोलती है कि आज तो मैं इसका सर ही फोड़ डालूंगी। जाते ही उसके मुंह पे पानी फेंकती है, जोरदार थप्पड़ मारकर बाहर लौट आती है। लेकिन अफसोस, ये तो मैडम की एक छोटी सी इमेजिनेशन होती है, लेकिन इस बार वो सच में ली के साथ में अंदर पहुंच जाती है और दो लोगों को अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में देखती है। फटाक से वहीं पर छुप जाती है और बोलती है कि हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए ना, क्योंकि भाई उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो लोग खड़े हुए थे वो लोग तो वीआईपी थे। ये बोलते ही वहाँ से ली को लेकर 9-11 हो जाती है। गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा भरा बुरा बोल रही होती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कमीना कहीं का। ली वॉज लाइक कि उसे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन अब क्या होगा क्योंकि आज तो तुम उसे अपनी मॉम से मिलवाने वाली थी ना। शोई बोलती है कि मैं कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगा ही लूंगी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है और हमारे हैंडसम हीरो की एंट्री होती है। बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये कोई और नहीं बल्कि लोचन था जो कि शोई के साथ थी स्कूल में था और ये उसका सीनियर था, लेकिन फिलहाल वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना हुआ बैठा है। लोशन का सेक्रेटरी शुआन शोई को कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें बताते हुए उसे साइन करने के लिए बोलने लग जाता है। ली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, सोच रही थी आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये कोई ड्रामा है या फिर सच में रियलिटी है। सिली गर्ल, जिसके लिए पहले तो शोई नाम बोलने लग जाती है, लेकिन फाइनली वो मॉम के लिए मान जाती है। लेकिन उसे ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी, बोलती है कि मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं, दोनों की वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। शादी तो उनकी हो चुकी थी, लेकिन अब शोई को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है कि इतना मुश्किल काम आखिर इतनी आसानी से हुआ भी तो कैसे हुआ। लेकिन अभी ने कौन समझाए कि अब पछताए क्या हो जब चूड़िया चुग गई खेत। शोई यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोसने लग जाती है, जहाँ पर हमारा हैंडसम हीरो हॉट बॉडी लेते हुए बाथरूम से निकलता है। दोनों बैठ के एक साइड में पहुंच जाते हैं। शोई के ये पूछने पर कि क्या आज हम दोनों साथ में सोने वाले हैं, लुशन बोलता है कि मेरी माँ कभी भी यहाँ पर आ जाती हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शक हो, जिसका साफ मतलब तो यही हुआ ना कि हमें साथ में सोना पड़ेगा। शोई को लग रहा था कि उसके साथ में धोखा हुआ है और इसलिए वो अपने साथ में एक चाकू रख कर सो जाती है, जैसे कि अपना हीरो तो भी रात में उसका मर्डर करने वाला हो। सिली गर्ल। नेक्स्ट डे शोई मसी मसे में अपना नाश्ता खा रही होती है क्योंकि वो तो वही आराम से रात में फैल कर जो सोई थी, लेकिन वही लोशन के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो उससे पूछती है कि लगता है कि रात में तुम अच्छे से सो नहीं पाए। अरे पागल लड़की, पूरी रात तो तुमने WWE के मैच की तरह उसे लात घूंसे मारे हैं, बेचारा सो भी कैसे ही पाता। जिसके बाद वो उसे अपने साथ में ऑफिस चलने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन वो बोलती है कि आज तो मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। जिसके बाद वो ली से मिलने के लिए पहुंच जाती है जो उसकी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछने लग जाती है और यही सेम क्वेश्चन लुशन का सेक्रेटरी श्वान भी उसे पूछने लग जाता है। दोनों का जवाब तो यही होता है कि पता ही नहीं चला कुछ कि क्या हुआ। श्वान उसे बोलता है कि अगर शोई कर्जे में डूबी हुई हो तो। लुशन वॉज लाइक कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इससे शादी करने के बाद मुझे कोई पछतावा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने देखा तो था ना मैंने उसे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश भी की थी लेकिन उसने उनमें से कुछ लिया ही नहीं। शुआन बोलता है कि बॉस यही तो वो बात है जो कि मुझे खाए जा रही है, एक लड़की को पैसों से प्यार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं वो आपके खिलाफ कुछ बड़ा प्लान तो नहीं बना रही है। लुशन उसकी बातों का जवाब देते हुए वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि मैं उससे अच्छे से जानता हूँ और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ली भी शोई से सवाल पूछ रही होती है कि लुशन वही लड़का है ना ये जो कि स्कूल में एकदम चुप चुप रहता था, जिसे लोगों से घुलने मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज वो एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, क्या बात है। वो दोनों लिफ्ट की साइड में जा रहे होते हैं। शोई बोलती है जो भी हो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही हम दोनों ने ही ये शादी अपनी फैमिली के लिए ही तो की है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है उसके साथ में रहने पे,
वो लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं कि लूशन और शुआन भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों अपना चेहरा छुपाने लग जाती हैं और एक दूसरे से वहां से निकलने का बहाना सोचने लग जाती हैं। जिसके बाद ली शुआन के पास आकर उसे बोलती है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। फिर अपना सर दीवार पर मारते हुए बोलती है कि पागल हो गई हूँ मैं, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और उसके बाद उसे बोलती है कि तुम तो बहुत ही शांत हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। वही लूशन भी शोई को लंच के लिए बोलने लग जाता है क्योंकि आज उसकी मॉम जो आने वाली थी। दोनों मॉम के पास पहुंच जाते हैं, मॉम भी उन्हें हैरानी से घूरते हुए देख रही होती हैं क्योंकि भाई उन्हें उनकी बहू तो कुछ ज्यादा ही सुंदर जो लग रही थी। लूशन की मॉम बहुत ध्यान से शोई को देख रही होती हैं, उससे पूछती हैं कि वैसे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है। जहाँ गए समय ये पता चलता है कि लूशन की माँ को शक ना हो इसलिए उसने शोई के गालों पर लिपस्टिक और ब्लश लगा दिया था। थोड़ा सोचने के बाद वो भी समझ जाती हैं कि हो सकता है कि मेरे आने से पहले दोनों में रोमांस चल रहा हो। जिसके बाद वो उनसे ये पूछने लग जाती हैं कि तुम दोनों साथ में कब से हो, लेकिन दोनों के जवाब मैच ही नहीं होते हैं। लूशन बात को संभालते हुए बोलता है कि मैंने तो इसे एक साल पहले ही प्रपोज कर लिया था लेकिन इसे मनाने में 6 महीने लग गए। ये सुनते ही मॉम फिर उन दोनों को हनीमून पर जाने के लिए बोलने लग जाती हैं क्योंकि भाई उन्हें अपने पोते की शक्ल जल्द से जल्द जो देखनी थी। लेकिन ये सुनते ही शोई पीछे की साइड हटकर लूशन से इसके बारे में मना करने लगती है। लूशन फिर से बात को संभाल लेता है, बोलता है कि मॉम आप शोई के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए। ये सुनते ही मॉम तो भाई वहाँ से 9:11 हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, लूशन सारा घर साफ कर रहा होता है क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे ही वो कि सोने जा रहा होता है, शोई को लगता है कि उनके रूम के बाहर तो कोई है, जिससे कि उसे डर लगने लग जाता है। लेकिन लूशन बोलता है कि शांत हो जाओ, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है जो कि शायद हम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। मॉम को शक ना हो इसलिए वो लोग अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वो एक दूसरे के ऊपर ही स्लिप होकर गिर जाते हैं। लूशन जैसे ही वहां से उठ रहा होता है, उसका सर शोई से टकरा जाता है, इसलिए शोई उसे तकिए से मारने लग जाती है जिसके कारण वो फट जाता है और सारे फट पूरे रूम में फैल जाते हैं। ये देखते ही लूशन सोचने लग जाता है कि अब इसकी सफाई कैसे हो पाएगी और इसी गम में बेचारा अपना हीरो तो बेहोश ही हो जाता है। मॉम जो कि बाहर कान लगाकर सब कुछ सुन रही होती है, लूशन को देखने के लिए अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही उसे होश आता है, शोई को बाहर ये बोलकर जाने लग जाती है कि इसका ध्यान रखना। रूम की ये हालत देखकर मॉम को भी पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ये उनकी फेक मैरिज नहीं है और ये बात वो लूशन के डैड को फोन पे बताने लग जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है। नेक्स्ट डे शोई जैसे ही अपना वेट चेक करती है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लड़कियों की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि भाई कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही लूशन को भी दिखाते हुए बोलती है कि मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे जाने वाली हूँ इसलिए मुझे खाने के लिए बिल्कुल भी फोर्स मत करना। लूशन भी बोलता है कि ठीक है जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। डाइटिंग तो मैडम ने शुरू कर ली होती है लेकिन भाई पेट की भूख से कैसे बचा जाए, जिसको मिटाने के लिए मैडम रात में चोरी छुपे फ्रिज खोलकर देख रही होती है क्योंकि उसमें एक केक था जो कि अब वहाँ से गायब हो चुका था। जहाँ पर तभी हमारा हैंडसम हीरो सामने से ही केक खाते हुए निकल जाता है और बेचारी शोई तो उसे देखते ही रह जाती है, उसके मुंह में तो पानी आ गया था। नेक्स्ट डे लूशन जान पूछ कर नाश्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीजें शोई के सामने खा रहा होता है। वो भी उसे मांग रही होती है लेकिन वो तो इसे एक बाइट भी नहीं दे रहा होता है। चुपके से चिप्स के पैकेट लेने की कोशिश कर रही होती है लेकिन लूशन उन्हें भी छीन लेता है, साथ ही उसके बैग से भी सारी चॉकलेट निकाल ली। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और फाइनली अब लूशन की रोक टोक के कारण शोई का वजन धीरे धीरे कम होने लग गया था। जिसके बाद लूशन उसे लो फैट का केक लाकर देता है, जिसे देखते ही मैडम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, साथ ही बोलने लग जाती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, फ्यूचर में भी तुम मेरे लिए ऐसे ही बनाओगे ना। वो भी हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में ली नूडल्स लाते हुए शोई से बोल रही होती है कि अब तो तुम बहुत ज्यादा रिच हो चुकी हो और उसके बाद भी तुम्हें ये सब कुछ खाना पड़ रहा है। शोई भी बेचारी सैड होकर हाँ बोल रही होती है लेकिन तभी उसके पास शुआन का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि लूशन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। ये सुनते ही शोई तो ली को वहाँ से ये बोलकर लेकर जाने लग जाती है कि आज तो हमें मस्त ट्रीट मिलने वाली है। जैसे ही वाले लोकेशन पे पहुँचते हैं, मैडम तो ली को वहीं पर छोड़कर लूशन को लेकर सीधा घर पहुँच जाती है। ली तो उनका मुंह देखते ही रह जाती है, सोचती है कि आज तो मैंने सोचा था कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी ट्रीट मिलने वाली है लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुआन भी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, बोलता है कि फिक्र मत करो मैं हूँ ना, ट्रीट तुम्हें मैं दे दूंगा, जिससे कि वो भी खुश हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ शोई लूशन को घर लाकर उसके लिए पानी लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन लूशन तो नशे की हालत में उसके नजदीक जाने लग जाता है। लेकिन शोई उसे संभाल लेती है और रूम के बाहर आकर उसे के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि आज से पहले उसके इतना नजदीक कोई भी नहीं आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग लूशन शोई को घर में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो तो उसे वहाँ पर मिलती नहीं है। और जैसे ही वो ऑफिस पहुँचता है, सेक्रेटरी उसे पूछता है कि शोई के साथ में आपकी रात कैसी रही। लूशन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि लेकिन मुझे तो कल रात को घर पर तुमने ही छोड़ा था ना। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं तो शोई आपके साथ में थी ना। ये सुनते ही लूशन तो फिर कल रात के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जहाँ पर उसे शोई का फोन आने लग जाता है, वो उसे मिलने के लिए उसे बुला रही होती है। जैसे ही उसके पास पहुँचता है, उसे देखकर शोई बोलती है कि तुम्हें याद होगा ना कि मेरा नेचर स्कूल में कैसा था। लूशन भी बोलने लग जाता है कि ये तो मैं भूल ही नहीं सकता, तुम वो पागल थी जिसे मैं 2 घंटे तक ट्यूशन देता रहता था। शोई बोलती है कि स्कूल के टाइम में तुम बहुत ज्यादा लोनली होते थे और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती थी। लूशन बोलता है कि अचानक से तुम मुझे पास्ट की बातें क्यों याद दिला रही हो। शोई बोलती है क्योंकि हमें अपने पास्ट से जुड़ी अच्छी अच्छी यादों को हमेशा याद रखना ही चाहिए। साथ ही उसे बताने लग जाती है कि कॉलेज में मुझे एक सीनियर से प्यार हो गया था, लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से मैंने किसी से प्यार नहीं किया। लूशन तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। जहाँ वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, रात में हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। लो कर लो बात, जिस रात के कारण शोई उसे इतनी बड़ी राम कथा सुना रही है, जनाब को तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। वारी दुनिया बोलता है कि अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा नशे में था और मुझे अच्छे से याद नहीं है। शोई को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है, अरे नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा रात में कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने बस एक लव स्टोरी पढ़ ली थी और जो कुछ भी मैंने अभी तुमसे कहा ना वो सब उसी की स्टोरी थी। सो गाइस यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। लगता है कि अब इन दोनों के बीच में भी लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, तो कहानी में आगे कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, शोई और लूशन की ये फेक मैरिज रियल मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, और मॉम को जब उनकी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा, और क्या हीरो हीरोइन के प्यार में विलन की एंट्री होगी या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जानना चाहते हो तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना याद रखना वीडियो मिस हो जाएगी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना।